नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, श्री द्रोणाचार्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी कुछ देर पहले लैब असिस्टेंट के फर्स्ट पेपर की आंसर की आप लोगों के लिए डाली थी, और अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट के सेकंड पेपर की, जो आज साइंस वालों का लगा है। तो जो साइंस वालों का लैब असिस्टेंट का पेपर लगा है, उसकी आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो अब इसमें देखो, जो सबसे पहले जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। पहले तो बायोलॉजी के क्वेश्चनों में सबसे पहले ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि क्राई सेकंड ए बी तथा क्राई फर्स्ट ए बी ऐसे जीव विष उत्पन्न करता है जो कर्मशः नियंत्रित करता है। तो याद रखना, ये जो क्राइजीन है, ये क्राइजीन एक बैक्टीरिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो बीटी कोटन बनाने में इनमें काम में लिया जाता है। जो बेसिलस थ्रुएंजिनेसिस बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा ये क्राइजीन प्राप्त किया जाता है। अब ये जो क्राइजीन सेकंड ए बी और क्राइजीन फर्स्ट ए बी है, ये कपास का जो बोलवर्म होता है और जो मक्का का बोररर होता है, इनको नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, कपास के गोलक स्लब कृमि और मक्का छेदक को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तीनुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है। पत्तीनुमा एक संरचना जो प्लूम्यूल के चारों तरफ पाई जाती है और उसको सुरक्षित रखने का काम करती है, तो वो हो गई प्रांकुर चोल। तो इसका आंसर हो गया प्रांकुर चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का राजा कहलाता है। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा जो उत्पादित किया जाता है, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, वो मसाला है काली मिर्च। तो काली मिर्च को मसालों का राजा बोला जाता है। तो इसका आंसर हो गया काली मिर्च। तो मसालों का राजा है काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे का वानस्पतिक नाम। तो यहां पर ध्यान देने की बात है कि जो बाजरा है, बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसिटम टोइफिडिस। तो बाजरे का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम टोइफिडिस। तो इसका आंसर हो गया बी, पेनिसिटम टोइफिडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर पर पाई जाने वाली कवक को, हाँ ये इस साइड है, दर्डोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये जो दर्डोतक कोशिकाएं होती है, ये दर्डोतक कोशिकाएं पादपों में पाई जाती है, और पादपों में इन कोशिकाओं के ऊपर लिग्निन का जमाव होता है, और लिग्निन के जमाव के कारण ये काफी मोटी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो दर्डोतक कोशिकाओं की भित्ति के ऊपर लिग्निन का जमाव होता है, तो ये लिग्निन की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन व प्याज के निम्न पादप भागों में से कौन खाने योग्य है? तो लहसुन और प्याज के जो खाने योग्य भाग होता है, ये जो खाने योग्य भाग होता है, ये पत्तियों के रूप में होता है, ये मांसल पत्तियों के रूप में होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा मांसल सल्क पत्तियां। तो इसका आंसर है चौथा, मांसल सल्क पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्न में से परिपूर्ण होता है। तो ट्रांसजेनिक विधि के द्वारा चावल बनाया जाता है, इस चावल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, यानी इसमें बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और जो बीटा कैरोटीन होता है, ये विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसी बीटा कैरोटीन की वजह से विटामिन ए बनता है, और बीटा कैरोटीन का रंग सुनहरा होता है, इसके कारण इस चावल का रंग भी कैसा होगा? सुनहरा होगा। तो इसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए की उच्च सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, रेसरपीन औषधि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, रेसरपीन किससे प्राप्त होगी? रावाल्फिया सर्पेंटाइना से, इसके अलावा कोल्चिकम ऑल्टिमनेल से, विदानिया सोमनीफेरम से, और पेपेवर सोमनीफेरस से। तो ये रेसरपीन जो औषधि होती है, ये रेसरपीन औषधि रावाल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
गोबर पर पाई जाने वाली कवक को क्या कहा जाता है? तो यहां पर जो गोबर पर पाई जाती है कवक, वो कोप्रोफाइलस कहलाती है। तो गोबर पर पाई जाने वाली कवर कोप्रोफाइलस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम रोग उत्पन्न करता है। ये जो एग्रोबैक्टीरियम, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोला जाता है। ये पौधों में खुद ब खुद यानी प्राकृतिक तौर पर भूमि में पाया जाता है, और भूमि में पाया जाकर ये जीन्स का स्थानांतरण करता है पौधों में, और ये पौधों में क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न कर देगा, यानी पौधों की जड़ों के पास में ये ट्यूमर बना देगा, और वो ट्यूमर एक क्राउन के समान दिखाई देगा। तो ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने योग्य जड़े पाई जाती है। तो इनमें से जो खाने योग्य जड़े होती है, वो खाने योग्य जड़े कौन सी है? आलू। आलू क्या है? एक तना है। अदरक, अदरक भी क्या है? तना। इसके अलावा चावल एक बीज होता है। तो इनमें खाने योग्य जड़े क्या होती है? शक्करकंद। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्करकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की अंत्यस्त कलिकाओं को कहते हैं। तो चाय की जो सबसे ऊपर की तरफ जो कलिकाएं पाई जाती है, जो टर्मिनल बड्स पाई जाती है, उन टर्मिनल बड्स को सुनहरी टिप्स बोला जाता है, गोल्डन टिप्स बोला जाता है। इन गोल्डन टिप्स को सिल्वर टिप्स भी बोला जाता है। तो इनको सुनहरी टिप्स बोलेंगे, गोल्डन टिप्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल पिगमेंट की सहायता से की जाती है, परंतु ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। इनमें से ये जो क्लोरोफिल ए होता है, इसे यूनिवर्सल पिगमेंट माना जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाया जाता है, और इनमें जो पिगमेंट सिस्टम बनता है, उन पिगमेंट सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर होता है, उस रिएक्शन सेंटर में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो सबसे मुख्य वर्णक है, वो क्लोरोफिल ए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। ताप विद्युत संयंत्र एग्जोस में मौजूद 99% कणकीय पदार्थों को हटा सकता है। तो जो सूक्ष्म कण होता है, इन सूक्ष्म कणों को हटाने के लिए ये स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का उपयोग किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किया जाता है। जो ताप विद्युत संयंत्र होता है, इनके एग्जॉस्ट में मौजूद जो 99% कणिकीय पदार्थ होता है, इनको ही हटाने का काम करता है। तो इस स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती है, जीवन अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की डेस डेस अवस्था कहते हैं। तो कोशिका विभाजन से बाहर निकलकर ऐसी स्टेज में आ जाती है, जिससे वो कोशिका कोशिका चक्र से बाहर हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था को जी जीरो स्टेट बोला जाता है, इसे शांत अवस्था भी बोलते हैं। तो क्वेसेंट स्टेज या शांत अवस्था इसका आंसर आ जाएगा। जी जीरो अवस्था में कोशिका कोशिका चक्र से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? अब डीएनए के अंदर जो आनुवांशिक कोड पाया जाता है, उन आनुवांशिक कोड्स को पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? यानी डीएनए केंद्र के अंदर पाया जाएगा, और उस डीएनए में बहुत सारे जेनेटिक कोड्स पाए जाते हैं। तो उन जेनेटिक कोड्स को एमआरएनए में ट्रांसफर कर लिया जाता है, और फिर एमआरएनए केंद्रक से बाहर ट्रांसफर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में आने के बाद में इसमें उपस्थित जेनेटिक कोड्स की सहायता से प्रोटीन्स का निर्माण कर लिया जाता है। तो वो आरएनए जो आनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा है इसमें? एमआरएनए। तो एमआरएनए आनुवांशिक कोड को पढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। डीएनए में जो आनुवांशिक कोड पाए जाएंगे, उनको एमआरएनए के द्वारा ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डार्विन फिंचेज अपने शरीर की किस संरचना की विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध है? तो जो डार्विन फिंचेज है, यानी डार्विन फिंचेज किनको बोलते हैं?
चिड़ियाओं को बोलते हैं, बर्ड्स को बोलते हैं, जो छोटी छोटी चिड़ियाँ थी तो उन चिड़ियाओं को डार्विन फिंचेज बोलते हैं। तो इनके शरीर में जो चोंच होती है, जो बीक्स होती है, ये बीक्स अलग अलग आकृति की होती है, क्योंकि इन्होंने गैलोपैगोस द्वीप पर जब अध्ययन किया था तो वहां पर भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्रोतों से वो चिड़ियाएं भोजन प्राप्त करती थी, तो इसलिए उनकी जो चोंच थी वो चोंच अलग अलग आकृति की हो गई। तो डार्विन की फिंचेज चोंच के लिए प्रसिद्ध है, उनकी चोंच में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा चोंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 48वां। इसमें देखो, किस कशेरुक वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? तो जो प्रीन ग्रंथियां होगी वो प्रीन ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? एवीज में, पक्षियों में ही हमेशा प्रीन ग्रंथियां पाई जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा एवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोब्यूलिंस किससे बनती है? इम्यूनोग्लोब्यूलिंस किसे बोलते हैं? एंटीबॉडीज को बोला जाता है। एंटीबॉडीज क्या होती है? ये जब शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर जाता है तो उन रोगाणुओं के विरुद्ध जो रक्त की जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती है, इन डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं के द्वारा लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनती है। और ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और इनमें से जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, जब शरीर में रोगाणु प्रवेश कर जाता है या एंटीजन प्रवेश कर जाता है तो उस एंटीजन को मारने के लिए इन बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है, और इन एंटीबॉडीज को ही इम्यूनोग्लोब्यूलिंस बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनती है और प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिंस कहलाती है। और इम्यूनोग्लोब्यूलिंस का संबंध किनसे होता है? लिम्फोसाइट से, क्योंकि इनका निर्माण किससे किया जाएगा? लिम्फोसाइट से ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय की जठर ग्रंथियां स्रावित करती है। आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती है, आमाशय के द्वारा मुख्य रूप से तीन हार्मोन स्रावित होता है। कौन ये तीन एंजाइम स्रावित होता है? कौन कौन से तीन एंजाइम स्रावित होता है? कुछ मात्रा में तो लिपिड को पचाने के लिए लाइपेज स्रावित होता है, साथ ही आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन को पचाया जाता है, तो प्रोटीन को पचाने के लिए एक तो पेप्सिनोजन स्रावित होता है और एक प्रोरेनिन स्रावित होता है। प्रोरेनिन केवल बच्चों में ही स्रावित होगा, इसके अलावा एचसीएल स्रावित होगा और म्यूकस स्रावित होता है। तो इनमें से ऑप्शन देखो, इनमें से पेप्सिनोजन स्रावित होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, लाइपेज होता है, ये दोनों होता है, ये नहीं होता। एससीएल स्रावित होता है, स्लेष्मा स्रावित होता है, ट्रिप्सिन स्रावित नहीं होगा, स्लेष्मा स्रावित होगा, एससीएल स्रावित होगा और पेप्सिनोजन स्रावित होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा, स्लेष्मा, एससीएल और पेप्सिनोजन स्रावित किया जाता है आमाशय की जठर ग्रंथियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंटिकाए एवं नाल तंत्र, कंटिकाए और नाल तंत्र प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? तो ऐसे प्राणी जिनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है, तो ऐसे प्राणी पोरीफेरा संघ में रखे गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पोरीफेरा, क्योंकि जो स्पाइक्यूल्स और जो कैनाल सिस्टम है ये पोरीफेरा की विशेषता होती है, ये पोरीफेरा में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें देखो, पहला है निमेटेहेलमिंथीज, निमेटेहेलमिंथीज में स्यूडोसिलोम पाई जाती है, तो ये कूट गुहीय होते हैं, यानी कूट गुहा पाई जाती है, तो ये तो सुमेलित है। इसके अलावा एनेलिडा, एनेलिडा में साइजोसिलोम पाई जाती है, तो ये साइजोसिलोमेट होता है, ये भी सही है। आर्थोपोडा, आर्थोपोडा में साइजोसिलोम पाई जाती है, तो ये साइजोसिलोमेट है, आत्र गुहीय नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। इसके अलावा प्लेटीहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज में किसी प्रकार की कोई गुहा सिलोम नहीं पाई जाती है, तो ये एसिलोमेट होता है, तो इनमें से आंसर आ जाएगा सी, आर्थोपोडा आत्र गुहीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53, टाइफाइड ज्वर की
पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन जो पेपर होता है इनमें भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो जो टाइफाइड बुखार आती है, टाइफाइड ज्वर आता है, इस टाइफाइड की जाँच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो इसकी जाँच की जाती है विडाल टेस्ट से। तो इसका आंसर आ जाएगा विडाल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा हार्मोन लेडी कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित तथा निष्कासित होता है? तो दोस्तों ये जो लेडी कोशिकाएं होती है, ये लेडी कोशिकाएं नरों के वसन में पाई जाती है और नर हार्मोन स्रावित करती है। तो इनमें से नर हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। तो ये कौन सा हार्मोन बनाएगी और बाहर निकालेगी? एंड्रोजन हार्मोन। और कौन सा एंड्रोजन स्रावित करती है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा एंड्रोजन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 हुआ, मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? तो इसमें यूरिया के संश्लेषण के बारे में पूछा गया है। यूरिया का संश्लेषण एक चक्कर होता है, ऑर्निथिन चक्कर। तो ऑर्निथिन चक्कर के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है और ऑर्निथिन चक्कर यकृत में संपन्न होता है। तो मानव शरीर के किस भाग में यूरिया बनेगा? लीवर, यानी यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विटामिन की कमी से होने वाला क्वेश्चन है आगे वाला। तो पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होगा? तो इसमें आंसर आ जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन भी बोला जाता है और नियासिन विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कर्ण में कौन सी संरचना उपस्थित होती है? कौन सी संरचना पाई जाएगी मानव कान में? तो यहां पर देखो जो कोटि का अंग है, ये कोटि का अंग मानव कान में पाई जाने वाली एक संरचना होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा कोटि का अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ फर्स्ट में दिए रोगाणु को स्तंभ सेकंड में दिए रोग से मेल करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से रोगों का मिलान करना है। तो इनमें से याद रखना है जो लेसमानिया डोनावानी होता है, ये लेसमानिया डोनावानी के कारण कौन सा रोग होता है? काला आजार रोग होता है। और जो वुचेरिया बैंक्रप्टाई जो रोग कारक होता है, इस रोग कारक के द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। इसके अलावा जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस होता है, इसे ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है, यानी निद्रालु रोग होगा। और इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा मलेरिया रोग होता है। तो इनको सुमेलित कर लो, फर्स्ट में थर्ड आएगा, फर्स्ट में थर्ड आएगा, बी में फिफ्थ आएगा, बी में फिफ्थ आएगा। तो ऐसा ऑप्शन एक में ही है और वो कौन सा है? फर्स्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी नाइन वा क्वेश्चन, तो इसमें देखो ये आई से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है अगर मानव नेत्र को बाह्य से आंतरिक की ओर देखा जाता है? यानी आंख में सबसे बाहर की ओर कौन सी संरचना पाई जाएगी? तो आंख का जो सबसे बाहरी भाग होता है, वो आंख का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है। कॉर्निया के पीछे की तरफ एक जलीय द्रव कक्ष पाया जाता है और उस जलीय द्रव कक्ष के पीछे की तरफ आयरिस पाई जाती है और आयरिस के पीछे की तरफ लेंस होता है और लेंस के पीछे की तरफ काचाभद्रव्य पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कॉर्निया सबसे बाहर की ओर, फिर आयरिस होता है, फिर लेंस पाया जाता है और फिर सबसे अंदर की तरफ काचाभद्रव्य होता है जो नेत्र गोलक की आकृति को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है जो मांसपेशियां होती है। इन मांसपेशियों में संकुचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि इनका निर्माण संकुचनशील प्रोटीन्स की सहायता से होता है जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है। इन एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के द्वारा इन पेशियों का निर्माण होता है और इन पेशियों की जो सबसे छोटी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है वो बोला जाता है सार्कोमियर को। तो जो सार्कोमियर है वो सार्कोमियर क्या हो जाएगी, पेशियों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी है, सर्वाधिक श्यानता किसकी पाई जाती है। तो निम्न में से सर्वाधिक, एक मिनट, ये आगे एक क्वेश्चन बीच में रह गया। सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार है, तो सबसे प्रबल जो संयुग्मी क्षार होता है वो कौन सा है, सी एस थ्री सी डबल बोन, ये सी ओ ओ नेगेटिव चार्ज है इस पर। तो इसका जो सबसे प्रबल संयुग्मी क्षार है वो कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक श्यानता किसकी है। तो इन ऑप्शनों में सबसे ज्यादा जो श्यानता पाई जाती है वो सर्वाधिक श्यानता किसकी है, तो इसमें आ जाएगा ग्लाइकोल। सर्वाधिक श्यानता किसकी है, ग्लाइकोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63, निम्न में से कौन सा बफर सिस्टम है। तो इनमें से जो बफर सिस्टम है वो कौन सा है, तो याद रखना है इनमें से बफर कौन सा है, NH4OH और NH4Cl, इनको क्या माना जाता है, बफर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, B2H6 में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसमें देखो B2H6 में जो बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो B2H6 में जो बोरोन अणु है ये बोरोन अणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। आगे नेक्स्ट 65 वा क्वेश्चन, तो इस 65 वाले क्वेश्चन में डाउट है और ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए आप लोगों का। तो जो 65 वाला क्वेश्चन है, 65 वाले क्वेश्चन में डाउट है और ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा। तो इसको स्टार मार्क कर लेना और इसका प्रूफ आप लोगों को दे दिया जाएगा, अपने टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना और टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको प्रूफ दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्पीसीज की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें ज्यामितीय समावयता संभव नहीं है, तो इनमें से किसमें ज्यामितीय समावयता नहीं पाई जा सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड तीसरा, इसमें जो ज्यामितीय समावयता है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्काइन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए काम आने वाला अभिकर्मक है, तो जो एल्काइन है, एल्काइन को एल्कीन में परिवर्तित करने के लिए कौन सा अभिकर्मक काम में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69, AgI की विलेयता सोडियम आयोडीन विलयन में शुद्ध जल से कम है, क्यों है कम, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा, सम आयन प्रभाव होता है, तो सम आयन प्रभाव के कारण NaI विलयन में शुद्ध जल से कम विलेय है, तो इसमें पहला कौन सा आ जाएगा, सम आयन प्रभाव होता है, तो सम आयन प्रभाव के कारण
एजीआई की विलेयता सोडियम आयोडीन विलयन में शुद्ध जल से कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन की द्रवित, ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है। क्यों? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप उच्च तथा व्युत्क्रम ताप उच्च होता है, तो इसकी वजह से इसे द्रवित करना आसान होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप ज्यादा और व्युत्क्रम ताप उच्च है, इसके कारण इसे हाइड्रोजन की अपेक्षा द्रवित आसानी से किया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखो 71। में देखो, यदि ए नॉर्मलता व बी मोलरता है, तब नॉर्मलता व मोलरता में सही संबंध है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवों की संख्या है, तो पेंटेन के संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितनी होती है? तीन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी, तीन होती है इनकी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण है, तो आवर्त में जब दाएं से ये बाएं से दाएं जाता है, तो परमाणुओं के आकार के घटने का क्या कारण है? नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता हो जाती है, जिसके कारण बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं के आकार का क्रम घट जाता है, आकार घट जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता क्रम है, तो इसमें क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम क्या है? इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट। नेक्स्ट 75। 75 देखो, हाइड्रोजन और आयोडीन, जिसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के का मान क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट 76 वा देखो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होने वाला अनुनाद है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अति संयुग्मन। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला, अति संयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है, एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा मुक्त मूलक अभिक्रिया का। किसका उदाहरण है ये? मुक्त मूलक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी का अनुसरण किया जाता है, किसके द्वारा अनुसरण किया जाएगा? इसमें देखो, गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी का अनुकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आ जाएगा ए और डी दोनों के द्वारा। तो इसका अनुकरण किसके द्वारा किया जाएगा? केवल रुदोष्म प्रक्रम, और डी केवल समतापीय प्रक्रम, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट 79। क्लोरीन गैस की गर्म और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है, तो इसकी जो क्लोरीनीकरण ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कैसे परिवर्तित होगी? तो इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट, 0 से -1 तथा 0 से +5 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो 80 नंबर। फोर्थ कोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी, तो फोर्थ कक्ष में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है?
इसमें फोर्थ का कोस में कुल कक्षों की संख्या 16 होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 81, तो 81 देखो दोस्तों, गैसीय साम्य अवस्था के लिए केसी और केपी के बीच में सही संबंध है। तो गैसीय साम्य अवस्था में केसी और केपी के बीच में जो सही संबंध होता है वो क्या होगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। तो इसमें कौन सा उत्तर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 82, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है, तो इनमें से कौन सा अल्कोहल तृतीयक प्रकृति का है, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटी थ्री, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका ऑक्साइड होगा। तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका ऑक्साइड कितना हो जाएगा, ऑक्साइड होगा, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष धातु सरल घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है, निश्चित ताप पर यह व्यवस्थित होकर काय केंद्रित संरचना देती है, तो इस संकरण में धातु का घनत्व होगा, तो इसमें क्या होगा, घनत्व हमेशा बढ़ेगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा फर्स्ट, बढ़ता है। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित विलयनों में से किसका पराशन दाब सबसे ज्यादा होगा, तो इनमें से कौन से विलयन का पराशन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, बी। नेक्स्ट है 86 में देखो दोस्तों, किस तरह के दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है, तो किस प्रकार के दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होगी, तो इसमें आ जाएगा फ्रेंकेल दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति पाई जाती है, तो ये कौन सा दोष हो गया, फ्रेंकल दोष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट नियम से संकरात्मक विचलन नहीं दिखाता, तो निम्नलिखित से कौन सा राउल्ट नियम से सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता, तो इसका आंसर आ जाएगा बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये जो बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, ये राउल्ट नियम से सकारात्मक विचलन नहीं दिखाता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्केलाइन को दर्शाता है, तो इनमें से एल्केलाइन के सूत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो C5H10 किसका सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। फिर देखो 89, हाफबाउ नियम अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए, तो इसमें देखो हाफबाउ नियम अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा, तो जिसके लिए n+n का मान न्यूनतम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कक्षक, ये हाफबाउ नियम के अनुसार नया इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में प्रवेश करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस समीकरण में तो a2b2 और 2ab2 प्लस ताप, तो इस समीकरण में साम्य अवस्था बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाती है, तो इसमें क्या होगा,
ये साम्यावस्था बाई तरफ स्थानांतरित कब होगी? जब दाब घटेगा और ताप बढ़ेगा। तो दाब घटाने पर और ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था दाई तरफ स्थानांतरित हो जाएगी। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, 4 है इसका आंसर। नेक्स्ट है 91। 91 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। सूरज के जो प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश की किरणें धरती से टकराती है और धरती से टकराकर वापस वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल में जाने से पहले उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत मिलती है, जिसकी वजह से वो टकराकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे एक ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण हो जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत अंगों का संरक्षण सामान्यतः फोर्मेलिन में किया जाता है। तो फोर्मेलिन क्या है? ये जो फोर्मेलिन है, ये जलीय फोर्मिक अम्ल होता है। जलीय फोर्मिक अम्ल में मृत अंगों का संरक्षण किया जाता है। आप लोगों ने जब बायोलॉजी की लेबोरेटरी में बहुत सारे जो अंग स्पेसीमैन होता है, उन स्पेसीमैन्स को देखा होगा। तो उन स्पेसीमैन्स को एक विलयन में संरक्षित रखा जाता है। तो वो विलयन क्या होता है? फॉर्मेलिन का विलयन होता है। और ये जो फॉर्मेलिन है, ये क्या है? जलीय फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसमें मृत अंगों को संरक्षित रखा जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जलीय फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, प्याज का कंद एक रूपांतरित है। तो प्याज का जो बल्ब होता है, यहां पर देखो ऑनियन बल्ब, यानी जो प्याज का बल्ब होगा, वो प्याज का बल्ब किसका रूपांतरण है? तो प्याज का जो बल्ब होता है वो तने का रूपांतरण होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन बोला जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस थायरोक्सिन का निर्माण थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो कौन सी ग्रंथि काम में लेगी आयोडीन को? थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर आ जाएगा थायराइड ग्रंथि, क्योंकि थायराइड ग्रंथि आयोडीन को अवशोषित करके ही थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। तो ये थायराइड ग्रंथि आयोडीन अवशोषित करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दंत मंजन को सफेद बनाने के लिए ये बनाने वाले रसायन का नाम बताइए। तो दंत मंजन को सफेद किस के द्वारा सफेद बनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो मृग तृष्णा किसके कारण बनती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से मृग तृष्णा का निर्माण होता है। यानी झूठ मूठ में आगे ऐसे दिखाई देता है कि आगे की तरफ कोई पानी हो। जब गर्मियों में बहुत ताप होता है, रोशनी होती है, तो रोड पर आगे की तरफ पानी दिखाई देता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। या जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में आपको झूठ मूठ में पानी दिखाई देता है आगे की तरफ, तो इसे मृग तृष्णा बोला जाता है। तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है? बीटा तरंगे। तो बीटा तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, बीटा तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थित केलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए शीतकालीन आवास क्षेत्र है? राजस्थान के भरतपुर जिले में ये केलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और यहां पर साइबेरियन सारस साइबेरिया से सर्दियों में अपने आवास के लिए आते हैं, क्योंकि वहां का सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम आ जाता है। तो वो तुलनात्मक गर्म टेम्परेचर पर आ जाते हैं और वो अपना निवास करते हैं और प्रजनन की क्रिया करते हैं। और जब सर्दियां पूरी हो जाती है, तो सर्दियां पूरी होने के बाद में वो वापस साइबेरिया लौट जाता है। तो जो साइबेरियन सारस है, वो क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पक्षी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल सार्वजनिक दाता के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो यूनिवर्सल डोनर होगा वो कौन सा होगा? ओ रक्त समूह। और ओ रक्त समूह में से भी अगर डिटेल से पूछ लेते ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो इनमें से कौन सा उत्तर आता? ओ नेगेटिव। क्योंकि जो ओ रक्त समूह होता है, इसे ओ रक्त समूह में किसी भी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, क्योंकि जो आरबीसी है इसे आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होगी उस एंटीजन के आधार पर ही रक्त समूह का नाम रख दिया जाता है। और ओ रक्त समूह ऐसा रक्त समूह है जिसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाती। इसके अलावा इसमें आरएच एंटीजन भी नहीं पाया जाएगा, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? यूनिवर्सल डोनर बोल दिया जाएगा। तो अगर इनमें से आर एस पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव में से आ जाता तो इसमें ओ नेगेटिव होता, ऐसा है नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा ओ रक्त समूह, ये सार्वत्रिक दाता होता है। तो दोस्तों ये साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आंसर की होगी, और फिजिक्स की आंसर की आप लोगों के लिए कल सुबह अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।